Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak. Once again, holy month Ramadan came. Aaj hamara next session hai webinar series ka. Abhi aapko aap log ko dekh sakte hai hamara DXN community ka number one speakers mein ek hamara saath hai. Proudly we can say it's our own mother, you know. Dr. Asma Munir, and if I'm telling about her, you know, very close to us, especially with the DX in Middle East, she is always saying that 3S is always supporting us like that, you know, and without any other intention, she is promoting DXN because she selected DXN. That is a specialty, and normally doctors cannot do network. She is a double diamond in DXN. So in the case of status also, and she is conducting a lot of research on DXN products. So for today, she is a right person. आज के लिए ये right person है क्योंकि हमारा DXN का product का ऊपर बहुत सारा research किया और result भी मिल गया और अभी का situation में immunity के बारे में health के बारे में talk करने के लिए मैं Dr. Asma Munir को अभी welcome कर रहा है. Please, doctor. Thank you very much, Sebastian. Assalamu alaikum. Good morning to the whole my family of DXN Global family, one world, one market, and with the name of Allah, Hasbullahi min ash-shaytan ar-rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. आप सब लोगों को आज के सेशन में खुशामदीद. वो लोग जो मुझे जानते हैं और वो लोग मुझे नहीं जानते, उन सब के लिए थोड़ी सी अपने बारे में एक मिनट दूंगी. वैसे तो सेबेस्टियन ने बहुत ज्यादा कह दिया. मैं सिर्फ सेहत की दुनिया की एक तालिबे इल्म हूँ और मैं बेहतर चीजों की तलाश में रहती हूँ कि हमें सेहत को जो भी खतरा है उसको हम किस तरीके से आसानी से, एक आम आदमी अपनी सेहत को कैसे बेहतर कर सकता है और बीमारियों से कैसे बच सकता है. तो आज का जो मौजू हमने चुना वो यही था कि हमें पर्सनल हेल्थ और अपने आप कुव्वत मुदाफियत या इम्यूनिटी को का इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है. तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, तमाम तम लोगों को खुशामदीद कहती हूं और आप दिस इज द राइट टाइम. बिल्कुल सही कहा सुभाष आपने कि ये बहुत सही वक्त है कि आप अपने बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं और अपने आप को तब्दील कर सकते हैं. जब तक सोच तब्दील नहीं होगी आप भी नहीं बदल सकते. और जहां तक हम लोग सालों से कोशिश कर रहे थे, डॉक्टर लिम की एक एक विजडम उनकी और एक विजनरी अप्रोच सेहत के मामले में कि हर शख्स को सेहत मिलना उसका हक है, पैदाइशी हक है कि हर इंसान सेहतमंद रहे, तो उसमें हर इंसान को कोशिश करनी पड़ेगी और उसके लिए जो गजा का इस्तेमाल है वो क्या होना चाहिए वो भी हम आज बात करेंगे. और इस दुआ के साथ हमें फायदा दे, ऐसा काम हम वो करें जो आपको पसंद हो और ऐसा रिस्क दे जो हलाल हो और जो हम बात करें हमारी उन बातों में अल्लाह असर दे और आपको समझ में आए वो बातें. तो तो पहले तो लफ्ज आज के मौजू का पहला लफ्ज है पर्सनल हेल्थ. पर्सनल और हेल्थ ये दो अलग अलग माने रखते हैं. पर्सनल यानी जाती, हम जाती तौर पे इंसान होने के नाते जब बनना शुरू करते हैं उसी वक्त से हमारी जात की बनावट शुरू होती है जो कि हमारे वालदेन की देन है. अल्लाह के बाद हमारे वालदेन की देन है कि हम किस तरह की जिंदगी आगे, हम कौन सी वो रूट्स होंगी जिनके ऊपर हमारी सेहत का दारोमदार होगा. वो जेनेटिक कोड, वो एपिजेनेटिक्स आप उसे मुतासर करते हैं, लेकिन जेनेटिक कोड लेके आप एक एक चीज का पैदा होते हैं. तो पर्सनलाइजेशन ऑफ हेल्थ क्या होती है और पर्सनल हेल्थ के लिए हमारी आज क्या जरूरत खास है, ये मैं इसके ऊपर आज जरा रोशनी डालूंगी. मैंने इस लफ्ज को तोड़ने की कोशिश की. पर्सनल का जो पी और ई है उसमें फिजिकल एजुकेशन, आर फॉर consistent responsibility or sensible approach, outstanding attitudes और आपकी जो
जिंदगी का हर जाविया जो है वो आपकी पर्सनालिटी को हेल्थ की तरफ लेके जाए, यानी न्यूट्रिशन, आपका माहौल, आपकी गजा, आपकी आदतें, आपका लाइफस्टाइल, आपका उठना, आपका बैठना, आपकी तालीम, आपके ऑक्यूपेशन और आपका मौसम, आपकी गजा, ये सब मिल के आपकी सेहत की तश्कील करते हैं। ये स्लाइड आप देख रहे होंगे, ये स्लाइड मुझे बहुत अच्छा कहीं से मिला तो मैंने सोचा कि आज इसी से इब्तिदा करेंगे कि हेल्थ में एक लफ्ज है बीच में हील। हील का मतलब है रिपेयर, यानी आपको अगर कोई चोट लग जाती है तो वो रिपेयर हो जाती है, हील हो जाती है। तो हीलिंग प्रोसेस हर वक्त हमारे जिस्म में है और इसीलिए हमारी सेहत बरकरार रहती है। और इसको जो चीजें इफेक्ट करती हैं उनमें हमारा उठना बैठना यानी हमारी एक्सरसाइज, हमारी गजा, हमारा माहौल जिसमें हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड्स, हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट और हमारी नींद। अगर हम इसकी तरफ थोड़ा सा जोर दें तो हमें ये मालूम होगा कि कहीं ना कहीं हमने इसको बैक ऑफ द माइंड पे रखा हुआ है। हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमें अपने मुश्किलात से कैसे लड़ना चाहिए, हमें किन लोगों से मिलना चाहिए, किन से नहीं मिलना चाहिए और किन किन से मिलकर उनको बेहतर करना चाहिए, हमारी जिंदगी में एक्सरसाइज का क्या रोल है और हमारी जिंदगी में सुकून और खुशियों का क्या रोल है, ये सब जरूरी है आपकी पर्सनल हेल्थ के लिए। तो पहले हम शुरू करते हैं आपकी जेनेटिक्स से, यानी आपकी जो कोड है जिसको जो आपकी हेल्थ को डिक्टेट करता है। तो वहां पर हम बात करते हैं उन माओं की, उन वालिदैन की जो जो आप पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आने वाली जिंदगी में उनकी आदतें, उनकी बातें, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी हेल्थ कॉपी होने जा रही है एक नए इंडिविजुअल में। यानी अगर फर्ज करें मैं आज खुदा न खास्ता सिगरेट पीती हूँ तो मेरी दो जनरेशन सिगरेट को पसंद करेंगी और जब पसंद करेंगी तो उसका शिकार होते में देर नहीं लगेगी। मैंने सिर्फ एक मामूली सी मिसाल दी। इसी तरह अगर मैं एक एक गुस्सा पसंद पर्सनैलिटी है मेरी या मेरी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है तो यही चीज मेरी बच्चों में आएगी और उनके बच्चों में आएगी। तो कहीं ना कहीं हम खुद अपने आने वाली नस्लों के खराब करने के जिम्मेदार। तो इसीलिए इसको हमने पर्सनल कहा, यानी आप जाती तौर पे हर चीज के जिम्मेदार खुद हैं। मैन इज अ विक्टिम ऑफ देयर ओन कंसेंट, कि आप चाहें तो किसी चीज से भी लड़के अपने आप को कामयाब कर सकते हैं, चाहे वो सेहत का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो बीमारी का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो या दुनिया की 10,000 मसाइल हो। तो अब अगर हमारी सोच तब्दील होगी, सबसे पहली बात कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा कि हम क्या चाहते हैं, क्या हम एक सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं या जो है और जहाँ है कि बुनियाद पर हम अपने आप को उस पानी के साथ रवा चले जा रहे हैं। जैसे पानी बह रहा है दरिया में तो उसके साथ 10 चीजें बह रही हैं, हम भी उस दुनिया के माहौल में गुम हैं, हमें नहीं मालूम हमें कहाँ रुक जाना चाहिए, हमें कहाँ से पलट के वापस आ जाना चाहिए और हमें कहाँ से कुछ सबक लेना चाहिए। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो आपके माइंड सेट को सेट करती हैं। माइंड सेट या आपकी जहनी सोच या आपकी फिक्र तब्दील होती है आपकी तालीम से, और जो लफ्ज हम भूल चुके हैं वो है तरबियत। तालीम और तरबियत आपके माइंड सेट को ठीक करती है, और जब ये जहनी सतह ठीक होती है तो फिर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं टुवर्ड्स लाइफ। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो फिर आप अपने ऊपर भी तवज्जो देंगे और दूसरों पर भी तवज्जो देंगे। सिर्फ अपने ऊपर तवज्जो देना इस सब तक तो ठीक है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप अपने आप से किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन आइसोलेटेड जिंदगी को भी अल्लाह ने मना किया, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर रो बया। तो दूसरे के लिए खल्के खुदा की खिदमत के लिए, या आप छोड़ दीजिए खल्के खुदा को, आपके इर्द गिर्द के माहौल में जितने लोग हैं उनसे भी अल्लाह ताला कयामत में आपसे सवाल करेगा उनके बारे में। आपके साथ जो लोग रहते हैं
आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनकी सेहतें, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी परेशानियां, वो भी आपकी सोच का हिस्सा होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट उसी वक्त आता है जब आप सही चीज पढ़ते हो और सही चीज को इम्प्लीमेंट करते हो, तालीम और तरबियत। तो पर्सनल हेल्थ की इब्तिदा तालीम और तरबियत से होती है जेनेटिक्स के बाद। अब तालीम और तरबियत में किस चीज की जानकारी आपको चाहिए? आपको अपने बारे में जानना है कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, मेरा वजन कितना होना चाहिए, मेरी आई साइट कितनी होनी चाहिए, मुझे कितना खाना चाहिए, मुझे कितना पानी पीना चाहिए और मुझे कितने घंटे आराम करना चाहिए, और अगर मेरे सर पे कोई बोझ है या कोई टेंशन है तो मुझे उससे किस तरह फाइट बैक करना चाहिए, और फिजिकल फिटनेस के लिए मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये सब बगैर तालीम के नहीं मिल सकती। एक दफा आप किसी की बात सुनेंगे भूल जाएंगे, लेकिन जब आप उसको इंटरेस्ट से सुन के, समझ के और इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये कोरोना वायरस की इस वबा ने जो हमें इम्तिहान में डाला हुआ है, हमें आजमाइश में डाला हुआ है, वो शायद हमारा एक लर्निंग कर्व भी है कि हम बैठे और सोचें कि हम क्या गलत कर रहे थे। सही वक्त पे खाएं, सही वक्त पे सोएं, सही वक्त पे एक्सरसाइज करें और सही एटीट्यूड के साथ जिंदगी को समझने की कोशिश करें। अब पर्सनल हेल्थ में जो हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमारे सेल्स, जैसे आपको मालूम है कि हमारी बॉडी ऑर्गन से और ऑर्गन टिश्यू से और टिश्यू सेल से बने हुए हैं, हमारी जो नुमाइंदा, हमारे जिस्म की जो नुमाइंदा करती है, नुमाइंदगी करती है, वो चीज है आपकी स्किन। स्किन अगर आपकी अच्छी है, स्किन अगर आपकी पिंक है, स्किन अगर किसी पिगमेंटेशन के बगैर है, स्किन अगर आपकी कोई डिजीज नहीं शो कर रही है, तो 80% आपकी बॉडी के सिस्टम जो है वो बेहतर है। 20% अभी भी छुपे हुए हैं क्योंकि वो बड़े ऑर्गन्स उनके उनको रोक के रखते हैं। तो आपकी मौजूदा सेहत आपकी पिछली सेहत से बेहतर होनी चाहिए। हर आने वाला दिन एक बेहतर सेहत की तरफ आपको ले जाना चाहिए। तो अब हमारी सेहत के लिए, हमारी पर्सनल सेहत के लिए जो 5-6 बड़े बड़े पिलर्स हैं, वो कंट्रोल्स हैं जो आपकी सेहत को मेंटेन करते हैं। देखिए, एक इमारत होती है, उसको बना दिया, कितने दिन तक वो अपनी असली हालत में रह सकती है अगर उसको रिपेयर ना किया गया है या अगर उसको मेंटेन ना किया गया, तो जल्द ही वो इमारत खत्म हो जाती है या डिके कर जाती है या टूट फूट शुरू हो जाती है। तो उसकी एट द प्रॉपर टाइम उसकी मैनेजमेंट होती है कि जिस वक्त जो चीज रिपेयर मांग रही है उसको फौरी तौर पर रिपेयर किया जाए। तो अगर हम इस चीज को थोड़ा सा आगे ले तो हेल्थ के बारे में थोड़ा सा एक डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए कि हेल्थ या हीलिंग प्रोसेस जो है उसको मेडिकल डेफिनेशन में एक माइंड और बॉडी के हेल्थ के साथ साथ स्पिरिचुअल हेल्थ भी चाहिए। फिजिकल हेल्थ का मतलब यह है कि आपके अंदर कोई डिस ईज नहीं है, यानी डिजीज नहीं है। डिजीज का मतलब है कि कोई बीमारी नहीं है जो आप, अगर बीमारी और सेहत एक साथ एक जगह रह ही नहीं सकते। गुज़िश्ता जमानों में आयुर्वेदिक, इंडियन, ग्रीक्स, ये सब लोग बॉडी और माइंड के बैलेंस को सेहत को के लिए जरूरी समझते थे। और ये भी कहा जाता था कि अगर कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या कोई बुखार है या कुछ प्रॉब्लम है तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, जिसको वो लोग ब्लैक बाइल का वो देते थे। और फिर बॉडी के अंदर कोई भी चीज एक्सेस है, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो सिक्रीशंस हो, चाहे वो आपके जो भी फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो आपको बता देंगे कि हाँ भाई बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में डिफिशियंसीज बता देंगी जो कि डिपेंडेंट है, जैसा मैंने कहा, लाइफस्टाइल पे, रेस्ट पे, पानी पे, एक्सरसाइज पे, आदतों। हेल्थ का मतलब डिजीज ना होना किसी एक वक्त तक तो ठीक है, लेकिन फर्ज करें अगर चोट लग गई या एजिंग प्रोसेस है, वो भी एक अनहेल्दी लेवल ऑफ स्टेट हो जाता है, लेकिन इस स्टेट को कंप्लीट फिजिकल मेंटल वेलबींग तक ले जाना वो आपके अपने हाथ में है। तो आपको इकोनॉमिकली भी प्रॉस्परस होना पड़ता है और उस प्रॉस्पेरिटी के लिए भी, उस प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए भी आपको एक फिजिकल फिटनेस चाहिए होती है। तो जो फैक्टर्स हमें एक्टिव गुड हेल्थ की तरफ ले जाते हैं उनमें गजा, बैलेंस डाइट, हमारी एक्टिविटी, हमारे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स और हमारी मेडिटेशन, डे टू डे लाइफ स्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आजकल दुनिया में सबसे पहले जो खौफ था
वो हार्ट डिजीज का था, अब वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया। बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये बातें थी कि नहीं भाई, सबसे मुझी चीज जो है वो हार्ट अटैक है, अब कहते हैं कैंसर है। तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हेल्थ यही हुआ कि आपको बीमारी ना हो, आपको परेशानी ना हो, नफसियाती बोझ ना हो, आप कॉन्फिडेंस हो, अपनी जिंदगी को खुशी के साथ गुजारे और जो भी काम करें वो आप बेहतरीन करें, जब तो आप कह सकते हैं कि आप एक गुड हेल्थ रखते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं डिजीज हैं। अब ये डिजीजेस या तो पैदाइशी हो सकती हैं या फिर ये अक्वायर्ड हो सकती है। अब इन अक्वायर्ड डिजीजेस में हम खुद जिम्मेदार हैं कुछ चीजों के, जिनके बारे में हम डाइट गाइडलाइंस है हमारी, हमारे जो पानी कम पीना, एक्सरसाइज नहीं करना और कुछ ऐसी जगहों पर चले जाना जहाँ कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, जैसे लाइक फॉर टुडे आज हम लॉकडाउन में है, क्यों? इसीलिए कि वो कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, COVID-19 इज कम्युनिकेबल, इसीलिए आपको लॉकडाउन किया गया कि वो अपनी मौत मर जाए, उसके बाद आप उससे बच सके। दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में जो आपकी हेल्थ को खतरा है वो है डिजेनरेटिव आर्थराइटिस या डिफिशेंसी डिसऑर्डर्स और जाहिर है सबसे बढ़कर कैंसर और एलर्जीज। तो ये तमाम वो कॉमन बीमारियां हैं जिनमें हम बात करते हैं कि भाई बैक्टीरिया हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, कीड़े हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, बहुत सारी फंक्शनल डैमेजेस हो सकते हैं, रेडियोलॉजी हो सकती है और आज तो आप बैठे ही रेडिएशन के बीच में। तो ये तमाम चीजें आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से परेशान कर ही रही है। तो पॉजिटिव एजेंट कोई भी हो, चाहे वो गजा हो, चाहे वो आपकी वायरस हो, वो कहीं ना कहीं आपके जिस्म के हिस्सों को मुतासर करता है। अभी कुछ मिसालें हैं बीमारियों की जो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन बहरहाल कुछ वायरसेस का तस्करा जरूर करेंगे जो मार्स और सार्स की तरह अब हमारे सर पर है। COVID-19 जो SARS-2 की एक फॉर्म है, जो कि आप कहते हैं कि सुना है कि HIV की RNA भी उसके अंदर मौजूद है, ये कॉमन कोल्ड की एक वेरिएबल फॉर्म है जो लंग तक चली गई है और इसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का आज सामना है। तो अगर हम ये तमाम चीजें सामने रखते हैं तो फिर हमारे जहन में एक बात आती है कि चले फिर किसी तरीके से हम रोकें, इन तमाम चीजों को हम रोकें जो हमारे जिस्म पर हमला करें। तो फिर बात आती है कुव्वत मुदाफियत की, हम इस कुव्वत मुदाफियत को कैसे कम करें। हम इस कुव्वत मुदाफियत को कम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके, अपने डाइट को ठीक करके, अपनी सोच को ठीक करके और अपने एक्सरसाइज को सामने रखें। यानी वो कुव्वत जो जरासीम से लड़ा दे, वो कुव्वत जो बैरूनी मामलात से हमें अलहदा रखे और वो कुव्वत जो हमें एक अच्छा एजिंग प्रोसेस दे, वो इम्यूनिटी कहलाती है या कुव्वत मुदाफियत कहलाती है। अब वो कुव्वत मुदाफियत कहाँ से आती है? एक तो कुव्वत मुदाफियत अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में खुद रखी है, जिसको हम कहते हैं इननेट इम्यूनिटी, और एक वो है जो आप अक्वायर करते हैं, जो बर्थ से नहीं होती, पैदाइशी तौर पर नहीं होती, वैक्सीन की शक्ल में, आपके इंटरेक्शन विद डिजीजेस की शक्ल में, आपके जो सेल्स हैं WBCs हैं वो उसको पहचान लेते हैं और वो बैरियर्स जो इननेट बैरियर्स हैं वो रोकते हैं उस बीमारी को आप तक आने के लिए। तो जो इम्यून सिस्टम है वो आपका सेल मीडिएटेड है, सेल के ऊपर डिपेंड करता है और ये वो सेल्स हैं जो आपके खून के अंदर दौड़ रहे हैं और ये पुलिस वाले WBCs हैं जो कि आपके उस दुश्मन को पहचानते हैं, उस पर हमला करते हैं, उसको या तो जख्मी करते हैं या खत्म करते हैं या फिर उसको थाने या जेल ले जाते हैं, जिसको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं और बाद में उनको वहाँ केमिकल्स डिस्ट्रॉय करते हैं और वो इस जंग में कुछ सेल्स भी मरते हैं और इस तरह हमारी कुव्वत मुदाफियत कमजोर पड़ सकती है बार बार बीमार होने से। और अगर इस दौरान हमें अपनी कुव्वत मुदाफियत को रिपेयर करने का मौका ना मिले तो फिर हम फिर से बीमार हो जाते हैं। तो ये तमाम वो जरूरी बातें हैं जो आपके जहन में होना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक होना नहीं चाहती लेकिन बहरहाल स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जरूर बताऊंगी कि एक चीज फिजिकल बैरियर है जो जिससे आप, जैसे आपने ठंडी सर्दी लग रही है आपने स्वेटर पहन लिया, गर्मी लग रही है आपने AC खोल लिया, तो आपने अपने आप को अपने जिस्म को उस माहौल के मुताबिक महफूज कर लिया उस टेम्परेचर के चेंज से। एक है फिजियोलॉजिकल बैरियर जो आपके अंदर
आपका पीएच के तौर पे मौजूद है, आपकी एसिडिटी के तौर पे मौजूद है, वो एल्कलाइन हो जाता है तो आपको सिक्योरिटी मिल जाती है। और एक है आपका सेल बैरियर, जो सेल्स मौजूद हैं वो उनकी दीवारें मौजूद हैं जो हर चीज पर अंदर आने नहीं देती। फिर एक है केमिकल बैरियर जो कि साइटोकाइन बैरियर कहलाता है, जिसमें आपके केमिकल्स हैं जो साइटोकाइन जो केमिकल रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, वो किसी भी गलत चीज को आपके ऊपर काम नहीं करने देते। और इनके इन चीजों में जो फिजिकल बैरियर है वो बैरियर, जब कोई चीज आपके स्किन से, की मिसाल बेहतरीन है कि अगर आपकी स्किन से कोई जरासीम टकराता है तो वो इतनी मजबूत है कि उस जरासीम को वहां बैठने तो देगी लेकिन जख्मी नहीं करने देगी आप। इसी तरह अंदरूनी स्किन, नाक की, मुंह की, मेदे की, ये जो झिल्लियां हैं जहां से म्यूकस निकलता है, वो भी एक रिएक्शन है उस फाइट फाइट का, उस जंग का, कि वो आने वाले उन जरासीम को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। इसी तरह फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में वो तमाम सिक्रीशंस जो आपके मुंह में, मतलब नाक का आंसू, मुंह का थूक और मेदे की तेजाबियत अपने अंदर बहुत बड़ी हिफाजती सेहत रखती है। और ये एहतियात जो है, इसको हम, जो बॉडी हमें देती है उसको हम फिजियोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। सेलुलर बैरियर वो होता है कि जहां पर हम एंटीबायोटिक की तरह हमारे सेल्स जो है वो उस बैक्टीरिया के खिलाफ हमला करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे उनको उनको वो बेजरर हो जाते हैं। इनको हम WBCs या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इनमें मुख्तलिफ वराइटीज हैं। इसी तरह कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो इंटरफेरॉन है कहलाते हैं या नेचर किलर सेल्स कहलाते हैं। ये वो साइटोकाइंस हैं जो इन बीमारियों के रिएक्शंस को हमको हमला नहीं करने देते, खास तौर पे वायरस इन्फेक्टेड सेल में। मसलन वायरस जो है वो न्यूक्लियस पे जाके हमला करता है, तो साइटोकाइंस जो हैं वो खास तौर पर वहां से रिलीज होते हैं जहाँ पे जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वहां से ये साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। और ये इंटरफेरॉन्स जो प्रोटेक्ट करते हैं उन नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को जो मजीद वायरस से इन्फेक्ट होने जा रहे हैं। अब अक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपकी, यानी आपकी बॉडी में एक याददाश्त पैदा करती है, यानी हमने वैक्सीन दे दी, अब वैक्सीन बॉडी के सेल्स को याद है कि भाई ये वाला जो पर्टिकुलर जरासीम है ये अगर दोबारा आया तो इसको मारेगी। ये मेमोराइजेशन जो है ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है और ये इम्यून रिस्पॉन्स का पहला पहला स्टेज है। इसमें खासतौर पर जब एलर्जीज हो या खासतौर पर जब आप वैक्सीन देते हैं इसको, ये एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं तो हम उससे भी फायदा उठाते हैं अपनी सेहत के लिए। फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी वो फोर्स है जो किस, जो समझ लीजिए कि हमारी आर्मी है, एक है पुलिस एक आर्मी है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स, तीन मुख्तलिफ महाज है ना। इसी तरह बॉडी के अंदर भी हमारे अलग अलग महाज हैं जिनको अलग अलग तौर पर ये सेल्स लड़ रहे हैं। और इन सेल्स की लड़ाई में कभी कभी वो खुद खत्म हो जाते हैं और जब वो खुद खत्म हो जाते हैं तो बॉडी कमजोर होके बुखार का शिकार हो जाती है या रिएक्शन के तौर पर आप कुछ दिन के लिए थक जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है उसको हम ह्यूमरल एंटीबॉडी कहते हैं कि WBCs के से एंटीबॉडी बनती है एंटीजन, और वो लिम्फोसाइट जो है उस उसके सिक्योरिटी याददाश्त के साथ उस जरासीम पे हमला करते हैं और वो एंटीबॉडी उसको खत्म कर देते हैं। इसी तरह इंटरनल एक्सटर्नल जो एंटीबॉडीज हैं उनके अलग अलग साख्त हैं, उनके अलग अलग, उसमें मैं आपको नहीं जाऊंगी परेशान करने, लेकिन सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स को हमें एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को एनहांस करना है। और आज की दुनिया में जो मैकेनिज्म है वो यही है कि माँ के दूध से ये हिफाजत शुरू होती है। वैक्सीनेशन, माँ का दूध, वैक्सीनेशन, अच्छी गजा, अच्छी हवा और इसके साथ साथ आपकी प्रिवेंशन, यानी किसी भी ऐसी जगह जहां से एलर्जी आपको हो रही हो उससे प्रिवेंशन। एलर्जी क्या चीज है भाई? एलर्जी एक हाइपर एक्टिविटी, एक हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम किसी भी बाहर की चीज को बर्दाश्त नहीं करता और आप उसको रिएक्ट करना शुरू करते हैं, चाहे वो पानी आ रहा हो, नाक से पानी आ रहा है, या एलर्जी हो रही है, या बुखार हो रहा है, या खास कभी कभी दमे की शक्ल भी। लेकिन कभी कभी एक और इम्यूनिटी आपको तंग करती है, वो आपके अपने सेल्स,
आपके अपने सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है और वो हमें बीमार डाल देती है, और ये हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की शक्ल में देखते हैं जिनमें हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह नजर आता है। इसी तरह ये तमाम ऑर्गन्स, टिश्यूज, एंटीबॉडीज, इनके यूनिक फंक्शन है। और ये वो लिम्फॉइड टिश्यूज हैं जिनमें थाइमस, लिवर, लिम्फ नोड, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। ये पूरा हमारा समझिए कैस्केड है, हमारे टॉन्सिल से लेकर हमारे स्किन के WBCs तक, बोन मैरो से नए सेल्स का आना, अपेंडिक्स जब आप पैदा नहीं होते उस वक्त से पहले अपेंडिक्स काम कर रहा होता है, थायमस काम कर रहा होता है, और वो लिम्फ नोड जो जगह जगह चौकी बनाए बैठे हैं पुलिस वालों की, और वो उनसे ड्रेन होके वहां पर उनको जरासीम को मारना होता है और वो आपकी हिफाजत करते हैं। इसी तरह अगर हम एड्स की तरफ या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा नाम HIV की वजह से एड्स या एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम है, जिसका कह रहे हैं कि उसका मैसेंजर आरएनए जो है आज हमें COVID-19 में भी नजर आया है, ये भी कुछ लोगों का कहना है, वल्लाह आलम ये कितना रिसर्च अभी इसमें होने बाकी है, लेकिन इसका ट्रांसमिशन जिन तरह से था आपको सब पता है, बॉडी फ्लूइड से जाता था, इसीलिए ये कंटेजियस था। ये भी एक आरएनए वायरस है और COVID-19 भी एक आरएनए वायरस है, तो इसकी लड़ाई कैसे होगी, यहाँ इस स्लाइड की तरह से और कीजिए कि अगर हम यहाँ पर ये सेल है जो कि एक एलियन है, जो वायरस है, ये वायरस किस तरह दीवार को तोड़ता है, और दीवार को तोड़ने के बाद उसका आरएनए जो है आपके आरएनए के को जाके न्यूक्लियस में डैमेज करता है और वहां डिवाइड होता है, 1 से 2 में डिवाइड होता है और फिर बाहर आके आपके जिस्म के बाकी हिस्सों को भी बीमार करता है। बिल्कुल इसी तरह कोरोना वायरस है कि वो आपके बॉडी के इस तरह से न्यूक्लियस को जाके खत्म करता है और हम मजीद पूरे तौर पर हमारा जिस्म जो है वो बीमार होना शुरू हो जाता है। तो ये तमाम वो चीजें थी कि जिनको मैं बताना चाह रही थी कि हम कहाँ कहाँ अपनी इम्यूनिटी से लड़ना है और कैसे लड़ना है। ये थोड़ा सा मैंने सिर्फ एक आउटलाइन दी आपको कि हम कैसे अपने जिस्म की हिफाजत कर सकते। तो क्या आप अच्छी गजा ले रहे हैं आज सुबह नाश्ते में? क्या आपने बैलेंस डाइट ली थी? नहीं। अगर आपने बैलेंस डाइट नहीं ली तो इसका मतलब यह है कि आपको बैलेंस डाइट का पता करना पड़ेगा। बैलेंस डाइट या मुतवाजन गजा वो होती है जिसमें निशास्ता हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, सॉल्ट, पानी, फाइबर, ये सब हो। अब इसकी जानकारी के लिए बहुत टाइम दरकार है। वो सारा काम हम आपके लिए कर चुके हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस, माएं, न्यूट्रिशनलिस्ट, ये सारा काम कर चुके हैं। अब आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है, आपको ऐसी गजा चूज करनी है, अपना माइंडसेट चेंज करना है कि आपको ऐसी गजा चूज करनी है कि जो आपको सिर्फ गजा के फायदा ही ना दे बल्कि गजा के साथ साथ इम्यूनाइज भी करे। कितने सालों से, 25 सालों से ये प्लेटफॉर्म मुस्तकिल ये बात लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि कुव्वत मुदाफियत को इम्प्रूव करो। कुव्वत मुदाफियत इम्प्रूव होगी तो कैंसर भी जिस्म में नहीं रुकेगा, पीएच इम्प्रूव होगी तो कैंसर से भी लड़ जाएंगे, ऑक्सीजनेशन अच्छी होगी तो सेल्स की एज अच्छी होगी, जब सेल्स की एज अच्छी होगी तो आप हर बीमारी, हर दुख से लड़ जाएंगे। ये बात बार बार इस प्लेटफॉर्म से कही जा रही। लेकिन अगर तो हम इस बात को थोड़ा सा सामने रखते हुए जरा सा सोचे, क्या हम सीरियस हैं? कितना सीरियस? क्या हम मौत की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल। इम्यूनिटी को एड्रेस ना करके, अपनी गजा को अपनी मर्जी से चूज करके, चूज करने का मतलब ये है कि आप चूज करें, आप वो चूज करें जो आपके लिए बेहतर हो, चाहे वो जायके में आपके मतलब का ना हो लेकिन कम से कम आपकी सेहत का दुश्मन भी ना हो। तो गजाइयत के अतबार से पूरा होना चाहिए गजा को, और फिर आपकी एपेटाइट के अतबार से भी सही होना चाहिए, मिनरल्स के हिसाब से भी सही होना चाहिए, विटामिंस भी उसके अंदर इतने होने चाहिए जो आपको इम्यूनिटी दे। अब जो मैंने आपको बात बताई कि अगर इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स दरकार है उनके बनावट, उनकी सेहत के लिए गजा चाहिए। अब वो गजा आपकी इन गजाओं में कौन सी होगी इसका तायुन आपके लिए हम कर देते हैं। हम आपको ये बता सकते हैं कि अच्छी गजा क्या है और आपको किस तरह उसे इस्तेमाल करना चाहिए।
कभी कभी हमें फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि भाई हमें तो बिरयानी चाहिए थी, आप हमें कह रहे हैं ये चार छह गोलियां खा लें। मैं समझती हूँ कि जहन से जिंदगी जीना चाहिए, दिल से जीने में मजा तो आता है लेकिन नुकसान भी हो सकता है। तो अगर थोड़ा सा अपने आप को फोकस कर दें कि हमारी गजा में कुछ फौज भी होना चाहिए जो हमें तवाना करे, कुछ गजा भी होना चाहिए, कुछ रफेज भी होना चाहिए जो हमारे सिस्टम्स को ठीक रख सके, और कुछ पानी की मकदार इतनी होनी चाहिए कि उसे फ्लश कर सके। 2 से 3 लीटर पानी अगर आप दिन भर में नहीं पी रहे तो कहीं ना कहीं आप अपनी इम्यूनिटी को भी खतरा दे रहे हैं। अगर आप 8 घंटे नहीं सो रहे इसका मतलब आप अपनी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर आप बार बार गुस्सा हो जाते हैं तो भी आप अपने एड्रेनलिन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप सही तौर पर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, खुश होने के वक्त खुश नहीं होते हैं, यानी आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा जो है वो गिना जा चुका है, लिखा जा चुका है, लेकिन उसकी क्वालिटी का जिम्मा आपके अपने हाथ में है। तो डिक्सन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म, थैंक्स टू डॉक्टर लिम, थैंक्स टू द मैनेजमेंट, दैट आज मैं ये बात उनकी तरफ से आपको पहुंचा रही हूँ कि बेहतरीन गजा के उसूल के लिए अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। हमारे पास ऋषि ज्ञानोडर्मा की शक्ल है, मैं ज्ञानोडर्मा ल्यूसिडम दुनिया का बेहतरीन पुलिस फोर्स, बेहतरीन गजा, आपकी गजाइत के साथ साथ तमाम फोर्सेस यानी सूजन वर्म से लेके एलर्जी से लेके बैक्टीरिया से लेके वायरस, मैंने आपको कहा ना इंटरफेरॉन शामिल है आपके ज्ञानोडर्मा ल्यूसिडम, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर शामिल है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसमें शामिल है। तो जो लोग रोजाना गैनोडर्मा को अपने जिस्म में शामिल कर रहे हैं तो क्या कोरोना वायरस उनका कुछ बिगाड़ सकता? अल्लाह ने कहा ना कि मैंने दुनिया बनाई है, मैं बीमारी देता हूँ तो मैं शिफा देता हूँ। मुसखर करना तुम्हारा काम, ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम ढूंढो क्या चीज तुम्हारे लिए सही है क्या नहीं। और अगर आपको मालूम है कि ये चीज मेरे लिए सही है तो सुबह को 4 से 6 चमचे ऋषि पाउडर के लेके देखिए, साथ में 8 से 10 गोलियां स्पायरेना की लेके देखिए, 2 चमचे मोरंजी के लेके देखिए, 2-4 कॉर्डिसेप्स लेके देखिए, और आप देखिए कि शाम तक आपकी बॉडी दूसरों की बॉडी से मुख्तलिफ कैसे है। आपकी सबसे पहले मैं आपको एक प्यारी सी बात बताऊं कि इन तमाम प्रोडक्ट्स को जो मैंने फील किया, मैंने इस्तेमाल किया, मैं किसी के कहे पे नहीं चलती, साइंटिफिक एविडेंसेस अपनी जगह, बायस्ड भी हो सकते हैं या आर्टिकल्स लिखे भी जा सकते हैं, झूठ भी हो सकते हैं, सब कुछ, आपकी बॉडी झूठ नहीं बोल सकती, आपकी बॉडी बेहतरीन डॉक्टर है। तो जो कुछ आप इस्तेमाल करके महसूस करेंगे उसका कोई बदल नहीं। 10-12 साल से मैं और मेरी फैमिली ये इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम दवाइयों से अभी भी बहुत दूर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई प्रॉब्लम होती है अर्जेंसी में, कोई मेडिकेशन लेते हैं तो हम जल्दी रिकवर कर जाते हैं क्योंकि हम इसके साथ अपने इन सपोर्ट्स को, एडजुवेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स हम इनको कहते हैं, हम बढ़ा देते हैं। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप ये फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आप बिल्कुल आप इम्यून हो गए 100%, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी का खतरा आपके अपने अंदर भी है, आपका लाइफ स्टाइल, आपकी डाइट। अगर मैं ये सब चीजें खा रही हूँ लेकिन साथ में मैं कोल्ड ड्रिंक भी पी, जंक फूड भी खा रही और फ्रोजन आइटम भी खा रही और ऐसी चीजें भी खा रही हूँ जो एसिडिक हैं, तो कहाँ तक ये फौज मेरा साथ देगी? तो ये तमाम चीजें उस वक्त आपको बढ़ के सामने आती हैं, अपना असर दिखाती हैं, जब आप अपने आप को भी सही रखते हैं, तब आप इनके असरात को ज्यादा तेजी से समझ सकते। तो ऋषि पाउडर के अंदर कोई मुमानियत नहीं है, यानी आप 3 से 4 महीने के बच्चे से लेके और 100 साल के बच्चे तक, मैं बार बार कहती हूँ, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर लिम तो कहते हैं कि कोई मुमानियत नहीं, मैं फिर भी ये कहती हूँ कि भाई लिवर को बन जाने दो, लिवर के एंजाइम्स को आ जाने दो 3 से 6 महीने तक, उसके बाद आप ऋषि छोटे बच्चे को भी दे सकती हो इम्यूनाइज करने के लिए, क्योंकि आज हमारी माएँ मौजूद नहीं है दूध पिलाने के लिए, तैयार नहीं है या दूध नहीं है। तो माँ के दूध का नेमल बदल हमारे पास स्पायरेना की शक्ल में, और स्पायरेना के तो आप उठा के देख लीजिए,
लाखों आर्टिकल्स मौजूद है उसकी उसकी सबूत में कि किस तरह की वो गजा है। मैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आज बिल्कुल नहीं दू, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आप खुद अक्वायर करें, लेकिन इन हालात में कौन से प्रोडक्ट्स आपको कितनी हिफाजत कर सकते हैं ये जरूर बताऊंगी और क्यों करेंगे। स्पाइरुलिना के अंदर जो खास बात है कि एक तो ये पूरा प्रोटीन है, प्रोटीन का मतलब ये है कि वो लहमियात या वो इंग्रेडिएंट्स जो आपकी बॉडी का हिस्सा है, आप खुद प्रोटीन है, तो जो एंटीबॉडीज और जो लिम्फोसाइट्स, जो इंटरल्यूकिन्स, जो आपके साइटोकाइंस है, वो सब प्रोटीन्स है। अगर आप गुड क्वालिटी प्रोटीन्स देंगे तभी तो गुड क्वालिटी वर्क होगा। किसी भी फैक्ट्री में कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स तो अच्छे डालने पड़ेंगे ना। इंग्रेडिएंट्स क्या है, अगर मैं तौलिया की फैक्ट्री में जाऊं और तौलिया में जो मैं धागा इस्तेमाल कर रही हूँ वो थर्ड क्लास हो, तौलिया बन तो जाएगी लेकिन वो ड्यूरेबल नहीं होगी, और उसके अलावा उसका जो जंक होगा, जो टॉक्सिक मटीरियल होगा, वो लोगों को अस्थमा भी करेगा। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में इन गजाओं का रोल है कि गजा अगर हम अच्छी ले भी रहे हैं, अगर हमने बहुत ज्यादा उससे पका दिया या बहुत ज्यादा उसके अंदर मसाले डाल दिए या बहुत ज्यादा ऐसी चीजें डाल दी जो एसिडिक थी, तो वो जाके अंदरूनी तौर पर हमें वो फायदा नहीं दे सकती सिवाय जायके के। तो ये प्रोटीन्स आपको स्पाइरुलिना की शक्ल में, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं कि आज मुझे कितना दूध पीना है, आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कितना मछली खानी है या कितना मुझे गोश्त लेना है, कितना चिकन, कौन सी चीज आपके पास काबिल भरोसा है। सारी चीजें नॉन डिएक्सन, मैंने ये लफ्ज डेक्सन यूज किया है इंग्लिश के लिए, डेक्सन का मतलब है ट्रस्टवर्दी, और कोई भी चीज नाकाबिल भरोसा है तो मैं उसको कह सकती हूँ कि वो नॉन डिएक्सन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी चीज पे भरोसा ही नहीं है जो आप खा रहे हैं, खाना आपको इसलिए कि वो ही मौजूद है, तो अब वो तो एक टॉक्सिक चीज चली गई अंदर, अब आपकी बॉडी क्या करेगी, अब आपकी बॉडी उसको फाइट करेगी, क्योंकि बॉडी को तो समझ है कि कौन सी चीज उसके लिए गलत है। वो समझ उसको उस गजा से लड़ने की तौफीक देगी और वो गजा को न्यूट्रलाइज करेगी, उसकी टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करेगी और उसको फिर एक्सक्रीट आउट करने में आसान करेगी कि आप वो बॉडी को डैमेज ना कर सके। तो स्पाइरुलिना की जहां ये खासियत, फुल सुपर फूड है, इसके अलावा अगर आप कुछ भी ना खाएं तब भी आप बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं, और इसके अंदर बचत के तमाम तरीके मौजूद हैं, स्किन से लेके और इंटेस्टाइन तक, ब्रेन तक, नर्व सेल की कंस्ट्रक्शन तक आपके पास स्पाइरुलिना की मदद आपको मिल सकती है। छोटे बच्चे 3, 4, 5, 6 कैंडीज चलते फिरते खा जाते हैं और इस तरह वो अपनी एलर्जी से बच सकते हैं, वो अपने रोज ग्रोथ पोटेंशियल्स को बेहतर कर सकते हैं। तो अब किन लोगों को स्पाइरुलिना इस्तेमाल करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए, सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है कि जो स्पाइरुलिना को कम इस्तेमाल करे, वो जिनके रीनल फेलियर है या जिनको डॉक्टर ने प्रोटीन लेने से मना किया। खुद ये कुछ अच्छा प्रोटीन है, इसलिए प्रोटीन कम लेना है या नहीं लेना है, वही सिर्फ एक ग्रुप है जो स्पाइरुलिना को कम कम इस्तेमाल करे। तो ये तो हो गए आपके दो बड़े पिलर्स, ऋषि आपका गवर्नर जनरल, किंग क्वीन आपकी स्पाइरुलिना जो डिक्टेट कर रही है आपकी पूरी बॉडी के हर सिस्टम को, हर वाइटलिटी को, स्ट्रेंथ को, विटामिंस को, मिनरल्स को, ट्रेस एलिमेंट्स को, हर चीज की एक एक वाफिर मकदार इसके अंदर मौजूद। तो आप इसको जी भर के खा सकते हैं, बहुत से बहुत, अगर आपने 50-60 से ज्यादा स्पाइरुलिना अगर एक दिन में ली, अगर आपको जरूरत है, खून की कमी है तो रिकमेंड किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा स्पाइरुलिना लें, क्योंकि अंदर हीम हीमोग्लोबिन को बनाने की दोनों चीजें स्पाइरुलिना में मौजूद है। तो अगर आपकी हीमोग्लोबिन ठीक होगी, आपकी कुव्वत मुदाफियत ठीक होगी, आपकी कुव्वत मुदाफियत ठीक होगी तो आप कोई भी बीमारी आसानी से हमला नहीं कर सकेगी। तो रोजाना स्पाइरुलिना का इस्तेमाल या कम से कम हफ्ते में 3 या 4 दफा 10-12 स्पाइरुलिना रेगुलर आप ले लें तो आप थोड़ा बहुत तवानाई भी महसूस करेंगे, आप अपने आप को रिफ्रेन भी करेंगे कि अगर कोई चीज गलत चली जाती है तो बचत भी हो जाएगी और आपके जो सेल टूट फूट रहे हैं जिस्म के अंदर
बीमारी है अंदर कोई, कुछ लोग जो कुछ ऐसी बीमारियों में मुबतला है जिनकी उन्हें दवाएं लेनी पड़ती हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, एलर्जीज है, अस्थमा है, तो उन दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी ये फूड सप्लीमेंट्स बचाते हैं। इसके लिए बाकायदा तहकीक हो चुकी गैरोंड्रामा के बारे में, तो बहुत तहकीक है कि इवन रेडियो थेरेपी के साइड इफेक्ट से गैरोंड्रामा बचाता है। तो जो कैंसर के पेशेंट्स हैं अगर वो गैरोंड्रामा इस्तेमाल करते हैं तो न सिर्फ वो क्योर की तरफ जा रहे बल्कि वो उन केमिकल पॉइजन से फायदा उठाते हुए उन केमिकल पॉइजन के साइड इफेक्ट को भी न्यूट्रलाइज कर। ये तमाम वो चीजें हैं कि एक आम आदमी की फहम से बालातर है और इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना, बहुत ज्यादा तालीम चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि रोशनी को रोशन करने से ही रोशनी होती है। जब तक आप बल्ब का पहला स्विच नहीं जलाएंगे रोशनी नहीं होगी, और उस स्विच चलाने के लिए माइंडसेट चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्विच से कौन सी लाइट चलती है, और ये रोशनी अगर हुई तो फिर आपको साफ नजर आएगा कि आपकी बॉडी को क्या क्या चाहिए। पानी चाहिए, सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की एक अच्छी मात्रा चाहिए, थोड़ा सा फैट्स चाहिए, गुड क्वालिटी प्रोटीन्स चाहिए, और ये सब आपके आपकी जिम्मेदारी है अपने जिस्म को वापस देना, इसका सब जवाब देना है। तो इस पारिना की मिकदार आपके अपने बस में है, ऋषि की मिकदार आपके अपने बस में है। जो चीज आपकी बॉडी जिस लेवल पर अपने आप को बेहतर समझे उस लेवल पर रुक जाए, उसको मेंटेन कीजिए। अगर आप बीमार हैं तो बढ़ा दीजिए, और अगर आप वापस नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर अपनी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट पे आ जाए। तीसरा बड़ा पिलर जो हमारे पास इस वक्त जो जरूरत है वो है कॉर्डिसेप्स। कॉर्डिसेप्स साइनेंसेस दुनिया का वो मशरूम था जिसको साइंसदानों ने बाद में माना, चाइनीज ने, जापानीज ने पहले खा के इस्तेमाल करके उसकी साबित सबूत पहले दिए थे। स्टेमिना प्रोड्यूसिंग, सेल हेल्थ एनहांसर, इम्यूनाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, माइक्रो सर्कुलेशन को अच्छा करता है, और सबसे बढ़कर इस वक्त जो आपके फेफड़े इस वक्त आपके जो लंग्स क्राइसिस में है वहां पर ये उनको सेहत देता है। एंटी इंफ्लेमेटरी सेल्स की जो ऑक्सीजन की सप्लाई टूवर्ड्स द एल्वियोल्स फ्रॉम द ब्लड टू द एक्सटीरियर, कार्बन डाइऑक्साइड का वापस जाना उस बैरियर पर डिपेंड करता है जो आपके लंग्स की दीवारों में है, एल्वियोलाई की दीवारों पर है, और वहां कॉर्डिसेप्स काम करता है, वहां ऋषि काम करता है, स्पायरिना उन दीवारों को स्ट्रेंथन करता है और उसको विटामिंस देता है जो उसकी रिपेयर करते हैं, उसको आयरन देता है जो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है। तो ये बातें अगर आपको समझ में आ जाएं तो आप अपने अपनी बॉडी को एक एक सेहतमंद, एक खूबसूरत बॉडी बना सकते हैं और फिर दुनिया के लिए काम कर सकते हैं। अगर आप सही होंगे तो आप अपने इर्द-गिर्द के माहौल को ठीक करेंगे। देखिए, सेहत का ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी सेहत से नहीं है, सेहत का ताल्लुक दिमागी सेहत से भी है, और आज हर शख्स दिमागी मर्ज में कहीं ना कहीं मुब्तला है। ये मत सोचिएगा कि मैं कोई आपकी इंसल्ट कर रही हूँ, कि मैं आपको पागल कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। जहनी तनाव या स्ट्रेस इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आप और हम सोच नहीं सकते कि आज एक छोटा सा बच्चा भी जहनी तनाव का शिकार है। मैं तो 12 तरह के स्ट्रेस को लोगों को समझाती हूँ। पहला स्ट्रेस तो आपको पता ही है कि भाई परेशानी है, बीमार है, फिजिकल स्ट्रेस। जहनी तौर पर आप नॉर्मल नहीं है, मेंटल स्ट्रेस। फाइनेंशियल सिक्योर नहीं है, कोई ना कोई फाइनेंशियल इश्यू चल रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस। जहां आप जा रहे हैं वहां का माहौल ठीक नहीं है, बॉस के साथ आपकी जहनी हमांगी नहीं है, वो आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस। घर के माहौल में आप नहीं फिट हो पा रहे, मिजाज में लोगों के साथ मुताबिकत नहीं रख रहे, तो आपका होम इंटेग्रिटी में खतरे में पड़ जाती है। तो ये एक माहौलियाती स्ट्रेस आ जाता है। फिर आप रोड पे जा रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक स्ट्रेस, जल्दी पहुंचना है, घर से देर से निकलेंगे, एक और घंटी बच गई। फिर वो जो कुछ आप खा रहे हैं उसने जो बॉडी को बायोकेमिकल स्ट्रेस दिया है, क्या आप जो खा रहे हैं उसकी जरूरत नहीं थी, वो जमा होने जा रहा है, और जो जिस चीज की जरूरत थी वो आपने खाया नहीं, वो बॉडी क्रेविंग में बैठी हुई है, इंतजार में बैठी है कि भाई मुझे तो कैल्शियम चाहिए था, मुझे तो पोटेशियम चाहिए था, ये तो मुझे कोलेस्ट्रॉल खिलाए जा रहे हैं। तो ये वो बायोकेमिकल स्ट्रेस है जो बॉडी को फेस करना पड़ता है।
अब फिर ऊपर से सोने पर सुहागा, आप बीमार पड़ जाए खुदा ना खास्ता। अब जो दवा ले रहे हैं वो भी बॉडी को वहां तक तो ठीक करेगी जो उस बीमारी तक का रोल है, लेकिन जब वो अपने केमिकल आउटपुट करती है, मेटाबोलाइट्स रिलीज करती है, तो आप को की बॉडी जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए आपको कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपने नोट किया होगा कि कुछ दवाई लेने के बाद आपका मेदा अपसेट हो जाता है, या स्किन में एलर्जी हो जाती है, या प्यास ज्यादा लगने लग जाती है, या बेचैनी होने लगती है, या नींद आने लगती है। तो ये वो रिएक्शन है उन दवाओं के, उन केमिकल पॉइजन के, कि जो आपके बॉडी फाइट बैक कर रही है। तो ये हो गया केमिकल स्ट्रेस। फिर एक हो गया मेटाबॉलिक स्ट्रेस, यानी आपके जिस्म के अंदर जो निजाम चल रहे हैं उन निजामों को सही तौर पे काम ना करने की वजह से कुछ चीजें गैर जरूरी तौर पे जमा हो रही, और उन जमा होने की वजह से बॉडी को बहुत जी जान लगानी पड़ रही है उसको नॉर्मल बैलेंस करने में, तो इम्बैलेंसेस की तरफ आ गए। जब आपके टॉक्सिन्स बढ़े तो आप इम्बैलेंस की तरफ आ गए, अब आपको बीमार होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ये तमाम प्रोडक्ट्स, चाहे वो कॉर्डिसेप्स हो, चाहे वो स्पिरुलिना हो, चाहे वो ऋषि हो, लायंस मेन हो, या रोजेल हो, या आपका माइकोवेजी हो, ये तमाम प्रोडक्ट्स अपने अंदर फाइबर, रजाइयत, फाइटिंग स्पिरिट, फाइटिंग फोर्स, फाइटिंग इंग्रेडिएंट्स रखते हैं। जब आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो जो केमिकल्स ब्रेन में रिलीज हो रहे हैं स्ट्रेस की वजह से, उसका असर जो बॉडी पे हो रहा है वो नहीं होगा, तो आप जल्दी से रिकवर कर सकते हैं किसी भी बीमारी से। अब देखिए कोविड 19 में कौन लोग मुतासर हो रहे हैं ज्यादा, वो जिनकी कुव्वत मुदाफियत कम, और यही हम सालों से समझा रहे हैं कि अगर आपकी कुव्वत मुदाफियत कम होगी तो कोई भी दुश्मन आपके हमला कर सकता। तो अगर ये सोच दुरुस्त हो जाए तो फिर एक अच्छी जिंदगी सामने आएगी, और जब स्ट्रेस खत्म होगा तो आप अपने आप को एक डिफरेंट इंडिविजुअल महसूस करते हैं। देखिए इंसान का खुश होना उसके अपने बस में नहीं है, बॉडी का हर सेल खुश होना चाहिए। अगर बॉडी की फिजिकल फिटनेस देखनी है तो एक हंसते मुस्कुराते इंडिविजुअल को अगर आप देखें जिसके चेहरे से पता लग रहा हो कि वो सही मानों में खुश है और अपने आप में वो कॉन्फिडेंट हो, अपने काम को वो बेहतरीन कर रहा हो, और किसी से गलत बात भी नहीं कर रहा हो, किसी से लड़ नहीं रहा है, तब वो आदमी हेल्दी है। एक एबनॉर्मल एटीट्यूड जो है ना वो एक एबनॉर्मल ब्रेन में होता है, और एक एबनॉर्मल ब्रेन जो है वो अनहेल्दी बॉडी का हिस्सा होता है। तो अगर कभी आपसे कोई गलत बात कोई करे ना तो थोड़ी देर को सोचिएगा कि ये इसने ऐसी बात क्यों की, क्या मैं इसकी जगह होता तो ऐसे ही करता, अगर नहीं तो अब इसको हेल्प की जरूरत है, इसको इसकी बात की बताने की जरूरत है कि तुम सही नहीं हो, तुम्हें फिजिकली नहीं मेंटली सही होना पड़ेगा, तो हमारी एक पहली कॉफी काम कर देगी। तो स्ट्रेस बस्टर, रिलैक्सिंग, मूड एलिवेटर, फिजिकली फिट करने वाला, मेंटली फिट करने वाला, सिक्योरिटी देने वाला, एंटी एजिंग देने वाला, अल्लाह के बाद अगर कोई गजाएं हैं तो मैं समझती हूँ ये तमाम फोर्सेस, ये मेरा बहुत बड़ा दावा है, और मैं इससे पीछे हटने वाली नहीं हूँ, मैंने इसके लिए लड़ रही हूँ, मैं इसके लिए अब तक 5 नौकरियां छोड़ चुकी हूँ, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा जी आप अपनी क्रेडिबिलिटी को डीएक्सएम की वजह से कम कर देती हैं, आप इतनी यूं की यूं डॉक्टर हैं और आप डीएक्सएम की बात करती हैं। मैं कहती हूँ डीएक्सएम ने मेरी डॉक्टरी को 4 चांद लगाए हैं, इसलिए कि मुझे ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ गया कि डीएक्सएम की या डीएक्सएम के प्रोडक्ट्स की हमारे बॉडी को क्यों जरूरत है, और इसी पैगाम को मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं कोशिश में ये कर रही थी कि अगर कुछ सवाल जवाब आपके हों इन प्रोडक्ट्स के हवाले से तो मैं वो दे सकूं, लेकिन इम्यूनाइजेशन और कुव्वत मुदाफियत के लिए कितना लेना है ये सब आप लोग मुख्तलिफ वेबिनार में सुन चुके हैं। याद रखिए यहाँ पे 2 चीजें लोगों ने मेंशन नहीं की हैं, एक है आपकी एक्सरसाइज और दूसरी है आपकी नींद। नींद का सही वक्त पे होना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत सारा दिन सोने के और सारी रात जागने के। अल्लाह ने रात नींद के लिए बनाई, और नींद
की रात की जो एक तदबीर थी वो ये थी कि अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज से आती हैं उसका एक काम है हमारी बॉडी के ऊपर, और हमारी बॉडी को उन अल्ट्रावायलेट रेज से बच के अपने आप को जो रेस्क्यू का टाइम होता है वो है रात का। तो अगर आप रात दिन को सो रहे हैं तो आप कह रहे हैं मैं तो सोता हूँ 8 घंटे, वो तो आपकी सही नींद नहीं है। तो जो भी काम है अगर उसको सही जगह सही वक्त और सही इस्तेदाद के साथ किया जाएगा जब भी वो रिजल्ट रखेगा। तो गजाओं के इस्तेमाल में सीरियस हो जाइए, पानी के इस्तेमाल में संजीदा हो जाइए, सफाई हाइजेनिक कंट्रोल्स जितनी भी चीजें हैं जो मैंने बात की ना स्किन बैरियर की वहीं से शुरू होती है। खाना पीना तो बाद में आएगा, पहले तो आपका हाथ उठेगा। जिस हाथ से आप खाना खा रहे हैं अगर वो हाथ ही साफ नहीं है तो आपने न सिर्फ यहाँ की सिक्योरिटी से तो आप बच गए लेकिन यहाँ पे वापस वो जरासीम हमला कर सकते हैं। तो हाइजेनिक कंट्रोल्स के लिए सोप, और सोप अगर ऐसा कोई सोप हो कि जो प्योरीफाई भी कर दे, डिटॉक्स भी कर दे और इम्यूनाइज भी कर दे तो और क्या चाहिए, बाय वन गेट 20 फ्री। ऐसा सौदा के लिए तो लोग सुबह फजर से लाइन अप कर जाते हैं जब सेल लगती है, और ये सेल तो आपके पास मौजूद है। इसी तरह अगर आपने रोजाना, मैं आपको थोड़ा सा एक लाइफस्टाइल का चेंज बता दूं, सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठे 5:30 बजे उठे, अपने एक्सरसाइज करें, खाली पेट आपने 2 से 3 ग्लास गर्म पानी में 1 लेमन ज़ी डाला वो पी लिया, और उसी के बाद 4 या 5 चमचे ऋषि मोरन जी के साथ मिला के 10 स्पिरुलिना 2-4 कॉर्डिसेप्स 2-4 लाइन लेके ये आपका फजर के वक्त का इंतजाम हो गया। अब आप अपना स्नान करेंगे, स्नान करने के लिए या नहाने के लिए आपने जो साबुन इस्तेमाल किया वो डिटॉक्स, वो सिक्योरिटी, आपने शैम्पू किया वो सिक्योरिटी, सेहत के लिए भी इम्यूनिटी के लिए भी। उसके बाद आपने जो नाश्ता किया उसमें आपकी कॉफी और ऑब्वियसली जो आपकी बैलेंस डाइट है अंडा है तो उसे जो भी आपने खाया वो लिया, हल्की मतवाजन गजा, फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं भी किया है तो आपके पास फ्रूट्स का बेहतरीन नेमल मदर स्पाइना की शक्ल में मौजूद है। उसके बाद आपने अपना दिन का सफर शुरू किया। अब ये इंसान जब घर से निकलता है तो इसको थोड़ी सी सैनिटाइजेशन आज के माहौल में जरूरत है, और वो देगी आपको टी ट्री क्रीम। ये टी ट्री क्रीम जो है ये आपका बेहतरीन सैनिटाइजर है और बेहतरीन मॉइस्चराइजर है। क्यों? क्योंकि टी ट्री क्रीम सालों से, हजारों साल से इस्तेमाल हो रही थी, उसके दरख्त जो है उसको चाय में तो इस्तेमाल करते ही करते थे, उसकी उसके छाल, उसके पत्ते और उसके तेल इंफेक्शन के खिलाफ, चोट के खिलाफ, दर्द के खिलाफ, सूजन के खिलाफ और इम्यूनिटी के लिए यूज किया जाता था, और इसके लिए कम से कम 180 आर्टिकल्स में पढ़ चुकी। तो मैं आपको बोझ डालना नहीं चाहती लेकिन साबित हो चुका है कि टी ट्री बेहतरीन एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक ऑयल है, और ये ऑयल हमारे पास टी ट्री क्रीम में शामिल है। अगर इसके आप स्टीम लेते हैं तो आप अपना चेस्ट और थ्रोट क्लियर करते हैं, कहीं कटे पे लगा लेते हैं तो उसको हीलिंग प्रोसेस देते हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है ये तमाम प्रोडक्ट जो है, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, कुव्वतें मुदाफ़त को इम्प्रूव करते हैं, और एडेप्टोजन है। एडेप्टोजन का मतलब जैसा देश वैसा भेस, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करेंगे, कम है तो बढ़ाएंगे, अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो उसको कम करेंगे, कम है तो उसको नॉर्मल करेंगे, कोई चीज भी अपनी हद से नहीं गुजरती। तो ये मेरी मुंह जुबानी बातें नहीं है, इसके पीछे बहुत साइंटिफिक डेटा मौजूद है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी बात पे भरोसा ना करें बल्कि पबमेड में जाके जेन्युइनली इन आर्टिकल्स को अगर देखेंगे तो आपको हजारों आर्टिकल्स इन तमाम चीजों के मिल जाएंगे कि जिनमें निल साइड इफेक्ट के साथ आपको ये प्रोडक्ट्स फायदा दे रहे हैं। और अब जंग है तो ईस्टर्न और वेस्टर्न मेडिकेशन की, ईस्टर्न मेडिकेशन को अब वेस्टर्न मेडिकेशन ने कहीं कहीं एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, होलिस्टिक एटीट्यूड की तरफ अब हमें आना पड़ेगा। मैं एक सिपाही हूं उस होलिस्टिक वॉर की, मेरा ख्याल ये है कि जो चीज भी इंसानी जिस्म की हिफाजत करे,
चाहे वो किसी भी साइंस के जरिए आए, चाहे वो किसी भी गजा के जरिए आए, चाहे वो किसी भी एक्सरसाइज के जरिए आए या किसी भी मेडिटेशन के जरिए आए, वो अक्वायर करनी चाहिए, दिमाग को खुला रखना चाहिए। और लर्निंग के लिए कोई वक्त नहीं है और लर्निंग के लिए कोई एज नहीं है, आप भी लर्न कर सकते हैं और लर्निंग ही आपको ये हेल्थ की अर्निंग देगी। अब याद रखिए, आपकी बेहतरीन वेल्थ जो है ना वो आपकी सेहत, हेल्थ इज वेल्थ। तो इस वेल्थ को लेने के लिए लर्निंग करनी पड़ेगी, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। देखिए आप अकेले नहीं है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, अगर आप माशाल्लाह खानदान वाले हैं तो वो आपकी तरफ देख रहे हैं। आप अगर कमजोर पड़ गए या बीमार पड़ गए तो उनका क्या होगा, ये सोच के ही अपनी केयर करना शुरू कर दीजिए। और ये सोच के अपनी केयर जरूर कीजिए कि अल्लाह ताला ने इसको जो नेमत आपकी दी है इसको जरूर जवाब देना है। रमजान के इस बाबरकत महीने में मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको सेहतमंद रखे, इबादतों के लिए भी, एक दूसरे के लिए भी, अपने लिए भी, और अपने आप को बेहतरीन सेहत का एक एक प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनाइए, ताकि इबादतें में भी खुशू और खुशू हो और आप एक अच्छी जिंदगी की तरफ आगे बढ़ जाए, एक अच्छी एजिंग प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ जाए। और कोई भी चीज आप अगर ऐसी आपको टकराती है तो उससे आपको हिफाजत हो। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको इस इन तमाम बातों से फायदा उठाने की तौफीक दे और आप इसको शेयर करें, अपने आप भी इस्तेमाल करें, दूसरों को इस्तेमाल करें, और कुछ नहीं तो सब तय जारी ही आपको बहुत दूर तक ले जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और कोई सवाल, कोई ऐसी क्वेरी या कोई परेशानी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। जी, रोशन खुद एक प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट है और वो खुद इन तमाम चीजों को, जो स्किन केयर, मैंने स्किन बैरियर की बात की ना, इंशाल्लाह रोशन भी जब आपसे बात करेंगी तो ये स्किन बैरियर की बात करेंगी कि जहाँ ये आपको खूबसूरती देती है, तवानाई देती है, वहां बचत भी करती है। और इसमें जेक्सन के जो प्रोडक्ट्स लोकल एप्लीकेशन हैं वो रोशन आरा उसकी उस्ताद है, उनसे सीखिए। सही है, सही है। मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग पूछ रहे किधर ये प्रेजेंटेशन का वीडियो मिलेगा। ये वीडियो हमारा डीएक्सएन मिडिल ईस्ट का यूट्यूब चैनल में अपलोड करेगा, कल से आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सेबास्टियन, थैंक यू वेरी मच। इधर एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहे बकुल रोई, डॉक्टर कैन यू प्लीज सजेस्ट द प्रोडक्ट्स टू इंक्रीज इम्यूनिटी पावर। वो क्वेश्चन का जवाब ऑलरेडी आपने दे दिया आपका प्रेजेंटेशन का, पूरा प्रेजेंटेशन का समरी ऐसे है। एंड आज के लिए जो मैं दोबारा इनको बता देती हूँ कि अगर आप जो पानी अपने लिए बनाते हैं ना रोजाना, तो उसमें आपने अपना एक लेमोजी का एक सैशे आपने 500 ml वार्म वाटर में बना के उसमें चाहे तो 2 चमचे रोजेट डाल दें, 2 चमचे मोरंजी डाल दें और वो इस तरह बॉटल में बना के रखें और वही पानी सारा दिन पिए। कहीं आप जा रहे हैं, जॉब पे निकल रहे हैं, काम पे, इस वायरस के अटैक के में आपको निकलना भी पड़ता है, तो वो साथ लें। टी ट्री क्रीम आपके पॉकेट में होनी चाहिए या आप थोड़ा सा मास्क के ऊपर टी ट्री क्रीम बाहर की तरफ लगा लें तो वो भी सिक्योरिटी है आपकी। और मुंह के अंदर आप अपने जीमेंट लेके घर से निकले ताकि अगर कोई वायरस टकराता भी है तो वहीं बेचारा उसकी डेथ हो जाए। ओके ओके डॉक्टर। डॉक्टर वन पर्सन मुदस्सर खैम फ्रॉम रावलपिंडी, उन्होंने पूछ रहे अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन विटामिन डी इज नॉट अवेलेबल इन स्पाइरुला, सो कैल्शियम इन स्पाइरुला कैन बी अब्सॉर्ब बाय द बॉडी और नॉट, इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी, और इन अदर वर्ड्स पर्सन इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी, व्हाट इज द सॉल्यूशन इन डीएक्सएन। देखिए विटामिन डी हमारे पास स्पाइरुला में मौजूद है, नंबर एक। वैसे तो बेहतरीन विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलता है, लेकिन स्किन की इंटेग्रिटी, जो विटामिन डी थ्री जो आपकी स्किन के अंदर मौजूद है ना, विटामिन डी कहीं और से नहीं आता, विटामिन डी आपकी स्किन के अंदर मौजूद है जो एक्टिवेट होना चाहिए सनलाइट से, और वो सनलाइट आपको जरूरी है, वो आपको कोई गजा नहीं दे सकती। इसीलिए लोगों ने मछली के तेल से जो कॉड लिवर ऑयल या सेवन सीज की विटामिन डी थ्री के जो बनाए थे स्पेंसियल्स, वो इसीलिए थे क्योंकि वो विटामिन डी को मॉडिफाइड फॉर्म थी, एक्टिव फॉर्म थी। हमारे स्पाइरुला खुद फोटोसिंथेसिस के जरिए हमको मिली है,
फोटोसिंथेसिस के जरिए मिली है, तो जो चीज फोटोसिंथेसिस के जरिए मिलती है वो स्किन से विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करती है। और गैनोडर्मा और स्पिरुलिना बी ट्वेल्व की तादाद हमारे स्पिरुलिना की, अगर आप जो बीमारों को जो बी ट्वेल्व हमें जितना चाहिए होता है न्यूरोजेनिक कंटेंट में, उसी की हमें ज्यादा देनी पड़ती है वो, क्योंकि वो चार टैबलेट्स में इतना बी ट्वेल्व नहीं है जितना 10-12 टैबलेट्स आपको लेनी पड़ती है, लेकिन वो एक सेफ नेचुरल कंटेंट है। आप जो बी ट्वेल्व बाहर से लेते हैं वो एनिमल सोर्स से होगा या वेजिटेबल सोर्स से होगा, वो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं। हमारा जो B1, B12, B6 है वो प्रिजर्वेटिव के बगैर नेचुरल है, इसलिए उसकी तादाद बढ़ाई जा सकती है, जितनी भी जरूरत है उसके हिसाब से लिया जा सकता है। ठीक है, आई होप इट सेटिस्फाइज यू। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर एक क्वेश्चन है, व्हाट एक्सटेंट फास्ट फूड इज हार्मफुल फॉर अस, हमारे एक डायमंड ने पूछा है। ये तो आपने मुझे 4 दिन का काम दे दिया बोलने का। फास्ट फूड का मतलब ये तो मैं कहती हूँ वो फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है, वो आपको दुनिया से तेजी से जाने वाला है, यानी वो स्पीड बढ़ा देगा, आपकी उम्र की जो घड़ी है ना वो तेजी से घूमने लग जाएगी और आप जाने की तैयारी में होंगे। फास्ट फूड में क्यों खराबी है, तो अब दुनिया में आर्टिकल्स आ गए भाई। देखिए फास्ट फूड में क्या चीजें आ जाती हैं, ये जो आपका रिसाइकल ऑयल, फ्रोजन आइटम्स, उसके अंदर जो केमिकल्स डाल रहे हैं अब तो वो भी मशकूक है, जिनके अंदर पोक और बहुत ज्यादा ऐसे केमिकल्स जो डिजेनरेटेड टिश्यू से निकाले हुए। कभी आप अगर मौका लगे और अगर आप वो देखें कि किस तरीके से ये हैमबर्गर्स वगैरह बनते हैं, ये हॉट डॉग्स बनते हैं, आप कभी भी उनकी तरफ जाएंगे नहीं। पूरी पूरी मुर्गी जो है उन्होंने मशीन में डाल दी उसके परों के साथ और उसका वो पेस्ट बन के निकल आया, उससे वो हॉट डॉग बना के आपको भेजे जा रहे हैं। वल्ला आलम ये सच है या झूठ है, मैंने खुद देखा है। एक पूरा एनिमल डोंकी डाल दिया, पूरी बत्तख डाल दी, पूरी भैंस मरी हुई। तो फास्ट फूड के इंग्रेडिएंट्स की कोई सिक्योरिटी तो नहीं है। तो जंगल का बादशाह है, जंगल का बादशाह हमारी जो जो खाने पीने की दुकान है, ये जंगल के बादशाह है, जो चाहे आपको खिला दें, बस टेस्ट दे दें, खुशबू अच्छी दे दें और टेस्ट दे दें, जो अच्छा है दिखता है वो बिकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अंदरूनी तौर पे भी अच्छा हो। तो फास्ट फूड की 5 बड़ी खराबियां, एक तो ये कि आपकी कोई श्योरिटी नहीं है कि उनके अंदर क्या क्या चीजें मिलाई गई, दूसरे वो रिसाइकल ऑयल में, तीसरे ये वो कि बची हुई चीजों को दोबारा वो फ्रेश अप करके चुबा देते हैं आप, चौथी ये कि उसके अंदर जो कंटेंट ऑफ प्रोटीन है वो प्रोसेस प्रोटीन है, वो प्रोटीन एक अंडा जो नेचुरली एक चिकन देता है और एक अंडा जो ब्रॉयलर मुर्गी का होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, उसके अंदर वो केमिकल अज्जा डाल दिए गए हैं कि जिससे उसकी जेनेटिक्स ही खराब हो गई, उसकी जेनेटिक्स में जो हार्मोन डाल दिए आपने वो खाए और आपके हार्मोन खराब हो गए, तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। कोल्ड ड्रिंक्स फास्ट फूड में, कोल्ड ड्रिंक के बगैर तो फास्ट फूड का तस्वीर ही नहीं है, और कोल्ड ड्रिंक्स में कोल्ड ड्रिंक नहीं है वो कोल्ड वॉर है, पूरा जिस्म को लड़ना पड़ती है, इतना एसिडिक कि आप अगर आप ड्रेन धो सकते हैं, ड्रेन ओपन कर सकते हैं, चारकोल जो रोड का चारकोल है वो कोल्ड ड्रिंक उसको मेल्ट कर देता है, तो आपके मैदे में कितने सुराख कर सकता है, लेकिन जायके में अच्छा है इसलिए लोगों को पसंद आता है। तो प्लीज मैं तो अपने बच्चों के आगे थक गई हूँ कह कह के भाई अब तो ये जमाना खत्म हो गया, अब तो बाबा सर पे आके खड़ी होगी। मेरे घर में आपको यकीन नहीं आएगा, मेरी नवासी है वो रोजेल को अम्मी यम्मी जूस कहती है हमारे, क्योंकि उसका कोल्ड ड्रिंक से कला मिलता है, तो वो हमारे यहाँ वो कोल्ड ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब लेमोजी हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है सिर्फ इसीलिए कि हम लोगों ने उसकी इब्तदा की ना, तो ये आपका हमारा फर्ज है कि अपनी जनरेशन को ठीक करें। आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो लोग आपकी देखेंगे, आप देखेंगे, आपको देखेंगे, आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, पूरा साल हो गया आपकी सिक लीव नहीं है, पूरा साल हो गया सब छींक रहे हैं आपको एक छींक नहीं आई। आप यकीन कीजिए अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह मुझे बुरी घड़ी से बचाए, मेरे क्लिनिक के ड्रॉज में जीमेंट का इतना पैकेट होते हैं, पूरा मेरा डिपार्टमेंट मेरे हाथ से जीमेंट मुफ्त लेके जाता है माजरत के साथ, लेकिन उनको पता है कि इससे हिफाजत हो सकती है,
और हर एक की जरा मौसम चेंज हुआ आपको पता है डिपार्टमेंट में छुट्टियां शुरू हो जाती, लेकिन जो लोग अपनी सिक्योरिटी रखते हैं, काम भी ठीक करते हैं, सोचते हैं अच्छा, बोलते हैं अच्छा, बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह में जो भी लोग सुन रहे हैं वो अपने आप में इत्मीनान जो है सबसे बड़ी चीज है। नमक खा के भी आदमी सुकून से सो सकता है, लेकिन ये पीस ऑफ माइंड जो है ना, ये आपकी सोच देती है, आपकी तालीम देती है, आपकी तरबियत देती है। जितना ज्यादा आप हम्बल होंगे, जितना ज्यादा आप तालीम याफ्ता होंगे, जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री हो और आप तालीम याफ्ता कहलाएं। मैंने बहुत पढ़े लिखे जाहिल भी देखे। तालीम वो है जो आपको तरबियत कर दे, तालीम वो है जो आपको रास्ता दिखा दे, तालीम वो है जो आपको एक अच्छा इंसान बना दे, एक मुकम्मल इंसान बना दे। तो मैं समझती हूँ कि हम सब के ऊपर जिम्मेदारी है अपने बच्चों की, अपने बहन भाइयों की और अपने उन बड़ों की भी, जिनको जरूरत है, थोड़ा थोड़ा करके ये आप लोगों को समझाना शुरू करें। आज 15 साल के बाद ये क्राइसिस सामने आई है, जब हम 15 साल से 25 साल से चीख रहे थे कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, तो समझ में नहीं आ रहा था। और आज लोग फोन करके मुझसे कहते हैं कि भाई वो अपनी कॉफी तो भिजवा दो, सुना है वो इम्यून मॉड्यूलेटर। तो आप कंगन को आरसी क्या आजमाई शर्त है, आजमाए और फिर बात करें, फिर आए मेरे सामने। Okay, thank you so much, doctor. It was a question from a Shaksa Talib Seda. Maybe he is happy with the answer. दूसरा एक सवाल है मनु कुर्मी, ESD from Nepal, Nepal से सुन रहे हैं। उनका 6 महीने का एक बच्चा है, बच्चे को रिएक्शन का क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? 6 महीने हो गया बच्चे को। बच्चे को अगर आपने वीनिंग डाइट शुरू की हुई है तो आप उसे कोकोजी दे सकते हैं, अगर वो माँ के दूध पर है तो माँ के दूध में भी कोकोजी थोड़ा सा मिला के दिया जा सकता है, या आप स्पायरोलिना उसको 1 या 2 रेगुलर दे सकते हैं। अभी तो उसके देखिए गट डेवलप हो रही है, तो उसको अगर उसका वजन नहीं बढ़ रहा है तो स्पायरोलिना की कोई भी तादाद उसको दी जा सकती है, 3 से 6, 6 से 4 टेबलेट तक, जिस तरह से आप सीरियल आ गया हमारा सीरियल दे सकते हैं। अगर नहीं है तो दूध में स्पायरोलिना मिला के दिया जा सकता है, उसकी वीनिंग डाइट में आप दलिए में स्पायरोलिना मिला के दे सकते हैं, कोकोजी बेहतरीन चीज है, मोरंजी आधा 1 चमचा उसको दिया जा सकता है रेगुलरली। अगर कोई कमजोरी है, खड़ा नहीं हो रहा, बैठ नहीं रहा, तो उसको 1 या 2 टेबलेट लाइन्स में इनकी भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। और ये दूसरा एक क्वेश्चन है लक्ष्मण अरेली से, ये रमदान में क्या क्या प्रोडक्ट हम जरूर यूज करना चाहिए रमदान का? मैं जान के इस मौजू को मैंने नहीं चूज किया, वरना मेरा ख्याल था कि मैं रिएक्शन एंड रमजान पे बात करूंगी, जो कि मैं हर साल बताती भी हूँ। रमजान जो है ना बेहतरीन टेस्ट है रिएक्शन प्रोडक्ट मेरे लिए, क्योंकि मैं 12 साल से रमजान में शहरी में खास तौर पर, मेरी फैमिली गवाह इस बात की कि मैं कुछ नहीं लेती सिवाय मेरे अपने प्रोडक्ट्स के, और उन प्रोडक्ट्स में मैं मिकदार बढ़ा देती हूँ स्पायरोलिना की। स्पायरोलिना आप 8, 10, 12, 15 अगर सुबह में ले लें और अपना ये कॉफी ले लें तो आपका रोजा बेहतरीन गुजरता है, ना कोई थकन होती है, ना कोई कमजोरी होती है, और बल्कि जब आपका ये हाइपोग्लाइसिमिक लेवल आता है शाम के वक्त, तो उस वक्त जो लोगों के सरों में दर्द होता था शुरू में वो भी नहीं होता, और आप अनफ्रेश नहीं फील करते अपने आप। जब आप रोजा खोलने बैठे तो अब आपके पास बहुत रेसिपीज हैं डिक्सन के। डिक्सन का आपका माइक्रोवेव ही, आपने दूध में या दही में, सेबेस्टियन को याद होगा, सेबेस्टियन जब हम लोग अपना इफ्तार पार्टीज करते हैं तो वो हमारी एक रेसिपी बहुत कॉमन है कि दही या माइक्रोवेव ही और थोड़ा सा कोकोजी मिला के वो टेस्ट बनाइए, बेहतरीन वो चॉकलेट फ्लेवर रेसिपी बन जाती है। उसी से रोजा खोलिए, खजूर के खाने के बाद आपने उससे रोजा खोला, रोजेल और लेमोजी बना के रखा, वो पानी आपने पिया, आप तमाम जो जिस्म की एसिडिटी थी वो न्यूट्रलाइज हो गई, उसके बाद आपको जो भी कुछ खाना खाना है वो खाइए और आराम से फिर सुबह सहरी में अपने वही गजाओं का इस्तेमाल कीजिए। आप ना बीमार होंगे, ना ही आपको कमजोरी होगी, बल्कि आप और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके वो सेल्स जो देखे ना, एक अभी जो साइंटिफिक डेटा आया था कि अगर आपकी बॉडी को, एक जापानीज नोबेल प्राइज विनर ने ये बताया कि अगर आपको कैंसर से बचने की कोई तदबीर करनी है तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। उन्होंने पूछा कितने दिन भूखा रहना पड़ेगा, उन्होंने कहा साल में कम से कम 25 से 29 दिन तक आपको भूखा रहना पड़ेगा। तो हम लोगों ने शुक्र अदा किया कि हम सबको यानी हर दिन में रोजा रखने की
हिदायत सीखेंगे। और यही वजह थी कि ऑलमाइटी ने रोजा रखने को आपकी सेल्फ डिफेंस कहा। आपके जो सेल्स जब उनको खाना पीना नहीं मिलता है तो वो जिस्म के गले सड़े खराब सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, और उन खराब सेल्स में बीमार सेल्स भी आते हैं, उन खराब सेल्स में कैंसर सेल्स भी आते हैं। तो ये भूखा रहना आपको सिर्फ भूख और प्यास और अल्लाह की रजा नहीं दे रहा, इसके साथ साथ आपके जिस्म को इम्यूनिटी भी दे रहा है, आपके जिस्म को तवानाई भी दे रहा है, और आपके जिस्म की एक्सरसाइज भी कर रहा है, आपके लिवर, आपके स्प्लीन, आपके आंतों को आराम भी दे रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर एक और सवाल है, ये स्पाइरला यूरिक एसिड बढ़ाने के लिए कारण हो जाएगा ऐसे सुन रहे, इसका ऊपर आपका कमेंट क्या है? बिल्कुल ये शाहजहां शाहजहां हमारे गोल्ड डायमंड पूछ रहे बांग्लादेश से। जी नहीं शाहजहां भाई, बिल्कुल आपने सही सवाल किया, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। क्योंकि देखिए यूरिक एसिड की अगर आप बुनियाद में जाते हैं तो वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट है, और ये वो ज्यादातर ये यूरिक एसिड का ये फॉर्म जो है ये हमारी गजा के गलत इस्तेमाल से होता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म के गलत इस्तेमाल से होता है। और मेटाबॉलिज्म को जो सही करती है चीज वो है ऋषि। स्पाइरुलिना की मिकदार सिर्फ आप उतनी लें जितनी बॉडी को जरूरत है। मसलन अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो 8 से 10, 10 से 12 गोलियों से ज्यादा स्पाइरुलिना लें, क्योंकि वो प्रोटीन है। और प्रोटीन अगर यूरिक एसिड के बनाने की वजह बन रहा है तो आपको प्रोटीन कम करना पड़ेगा, चाहे वो आप कोई भी प्रोटीन खा रहे हो, चाहे वो स्पाइरुलिना हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो बीज हो। तो उसमें अकेले स्पाइरुलिना नहीं, हर गजा जो प्रोटीन से है उसकी रुकावट डॉक्टर्स ने बताई। तो चूंकि ये भी गजा है तो जहां यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वहां यूरिक एसिड बढ़ने की वजूहात को कम करना पड़ेगा। उनमें बीज वाली सब्जियां, उनमें मटन, स्पाइरुलिना सिर्फ उतनी मिकदार में जितनी मिकदार में जिस्म को जरूरत है, 6 से 10 टेबलेट्स बस, इससे ज्यादा नहीं। और ऋषि बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ऋषि जो है वो यूरिकोस्यूरिक है, यूरिकोस्यूरिक है यानी यूरिक एसिड को यूरिन के जरिए साफ करता है। जब यूरिक एसिड यूरिन के जरिए निकलेगा तो फिर बॉडी में जमा नहीं होगा, इसलिए ऋषि का इस्तेमाल बढ़ाइए, कॉर्डिसेप्स का इस्तेमाल बढ़ाइए, और स्पाइरुलिना को एक इत्तेदाल के साथ, एक लिमिट के साथ इस्तेमाल। ओके थैंक यू सो मच डॉक्टर। सिंस आप ये आईवीएफ स्पेशलिस्ट है वो उसका ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं नाम नहीं पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, बांग्लादेश से एक क्वेश्चन आ गया। क्या क्या प्रोडक्ट वो केस में अच्छा है, क्योंकि इनफर्टिली केस में और थोड़ा लेट हो रहे हैं इसका वजह से, क्या क्या प्रोडक्ट आपको रेकमेंड कर सकते हैं? ये बहुत ही मेरा पसंदीदा सवाल है, जिसने भी किया बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इसी पे मेरी सबसे ज्यादा पिटाई होती। ये सवाल इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इनफर्टिलिटी भी बहुत ज्यादा हो गई, और इनफर्टिलिटी अब सिर्फ औरत और के जिम्मे नहीं रही, अब मर्दों के लिए में भी इनकी जिम्मेदारी आ गई। तो हमारे जो 4 बड़े प्रोडक्ट्स हैं, ऋषि, स्पाइरुलिना, ओरेंजी और कॉर्डिसेप्स, ये 4 वो प्रोडक्ट्स हैं। और पोटेंसी कुछ मुल्कों में, हर मुल्क में पोटेंसी मौजूद नहीं क्योंकि उसके अंदर जिनसिंग वगैरह है, पोटेंसी में भी कॉर्डिसेप्स और गैनोडर्मा मौजूद है, इसलिए उसको आप अकेले भी ले सकते हैं। तो ये 4 जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये दोनों में, हस्बैंड एंड वाइफ में हेल्प करते हैं। किस तरह? ऋषि जो है वो आपको, आपने बतमैन जैसे हम तस्कर किया ना कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन वरम कम करता है। फर्ज कीजिए फिलोपियन ट्यूब की सूजन है, फर्ज कीजिए अंदरूनी आजा की सूजन है, तो ऋषि वहां हेल्प करता है दोनों के लिए। कितना लेना चाहिए? 2 से 3 स्कूप्स ऑफ ऋषि डेली, या आप अगर आरजीजीएल वाली जगह पर हैं तो कम से कम 3 से 4 पेयर डेली फॉर मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स। कॉर्डिसेप्स कम से कम 2 से 4 गोलियां रोजाना। बोरंजी 2 टेबलस्पून खाना खाने से पहले, या अगर आपके पास पाउडर है ऋषि का तो आप उसमें मिक्स करके ले सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। और स्पाइरुलिना आपके हीमोग्लोबिन पर डिपेंड करता है, आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर डिपेंड करता है, अगर वो वहां से आप डिफिशियंट हैं तो आप 30 गोली भी ले सकते हैं, और अगर आप वहां से मजबूत हैं तो आप कम से कम 8 से 10 गोली स्पाइरुलिना की डेली लें। क्योंकि देखिए इनफर्टिलिटी में ख्वातीन के हवाले से भी और हजरात के हवाले से भी वजन का बहुत बड़ा रोल है।
तो वजन अगर मेंटेन करना है तो आपके पास माइकोवेजी का मुका है और इधर से आपके पास स्पायरोलिना और ऋषि है, तो ये दोनों तीनों चीजें मिलके आपके वजन को मेंटेन करेंगी। बुनियादी तौर पे जो वजूहत आपको प्रेगनेंसी नहीं होने दे रही है, ये प्रोडक्ट्स उन पर काम करती है। लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जहां ट्यूबें बंद हैं, जहां स्पर्म्स मौजूद नहीं है बिल्कुल भी, और जहां एज है, खवातीन की एज 40-45 से ऊपर है, वहां पर अगर ये आपको तरोताजा तो कर सकेंगी, तवानाई तो दे सकेंगी, अंडों की तादाद नहीं बढ़ा सकती, स्पर्म की तादाद नहीं बढ़ा सकती, ये काम करती है फंक्शन के ऊपर, फंक्शन को इम्प्रूव कर सकती है, रास्ते नहीं खोल सकती। अगर किसी वजह से, किसी सर्जरी की वजह से ट्यूब ब्लॉक हो गई है, अब आप 2 साल से ऋषि स्पायरोलिना कॉर्डिसेप्स खाए जा रहे हैं, आप बोलेंगे डॉक्टर्स मैंने कहा था ये 6 महीने इस्तेमाल कर लो प्रेगनेंसी हो जाएगी, नहीं हुई, आपने ये तो बताया नहीं कि ट्यूब्स आपकी कटी हुई है, ट्यूब्स आपकी डैमेज है। अगर ट्यूब्स डैमेज है तो आप कितना भी चीजें इस्तेमाल कर लें, ये आपको फायदा नहीं देने वाली, फायदा देंगी लेकिन ट्यूब्स नहीं रीजेनरेट हो सकती, तो आपको फिर IVF की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोग, ये मेरा जाती तजर्बा है, मेरे पास इस वक्त अच्छा खासा दाद आदमी, अगर काश मुझे प्लेटफॉर्म मिल जाए, मैं फिर सेबेस्टियन से रिक्वेस्ट करूंगी कि सलीम भाई से कहें मुझे रिसर्च के लिए जगह दें, तो मैं ये साबित कर सकती थी कि अगर तमाम चीजें, पैसेज और पैसेंजर, पैसेजेस ऑफ द मेल, पैसेजेस ऑफ द फीमेल, पैसेंजर्स ऑफ द मेल, पैसेंजर्स ऑफ द फीमेल, एग्स एंड स्पर्म आर नॉर्मल, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है वजन की वजह से, पॉलिसिस्टिक की वजह से, थायराइड की वजह से, करोड़ों बीमारियां, तो उसमें अगर आपने अपनी बॉडी को फाइट बैक करना सिखा दिया इन चार चीजों से, तो मेरी, मुझे तो उन्होंने शोकॉज नोटिस दे दिया था कि ये क्या आप नेचुरल प्रेगनेंसी लोगों की हेल्प कर रही है और आपके तो तनख्वाह नहीं मिलेगी अगर आपने नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए हेल्प की, तो लोग नेचुरल प्रेगनेंट हो जाते थे, इसलिए कि उनकी ये कमी थी, कमजोरियां थी जो पूरी हो गई चीजों से, तो वो प्रेगनेंट हो गए। आज भी ये मेरे पर एक ब्लैक लेबल लगा हुआ है कि इनके पेशेंट तो बगैर IVF के प्रेगनेंट हो जाते, मैं तो खुश होती हूँ इस बात पे, क्योंकि बच्चा देना या ना देना रब्बे इसी के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ रास्ते के माली हैं, सिर्फ वो हम करेंगे इंशाल्लाह, ये करके देखिए। कोई प्रॉब्लम हो मेरा नंबर आप हेड ऑफिस से ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे भी, और आजकल हम टू टॉक पे क्लिनिक्स कर रहे हैं, आप उस पर भी कर सकते हैं इंशाल्लाह तारा। टू टॉक का जो मेरा नंबर मैं आपको दे दूंगी, आप उसके ऊपर जिस सेपरेटली ईमेल कर दें, मेरा ईमेल एड्रेस सेबेस्टियन, यू कैन सेंड देम एट द एंड, ताकि ये अपने प्रॉब्लम्स को मुझ तक भेजे, फिर हम एक ऑनलाइन इनके मसलों को हल कर सकते हैं, ठीक है। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर ये वंडरफुल प्रेजेंटेशन, ये रमजान के टाइम क्लिनिक के बाद हमारे लिए टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहे हैं, उसका वजह से मैं सेलेक्ट करके पूछा, और ये इम्यूनिटी पावर के लिए कैसे हमारा प्रोडक्ट फायदा दे रहे हैं, आप डॉक्टर ने सवाल रिप्लाई दे दिया। और डॉक्टर का मीटिंग 29 में इंग्लिश में भी है, आप लोग प्रमोट कर दीजिए, आपको प्रोस्पेक्ट का साथ प्रमोट करके ज्यादा फायदा उठाइए। वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर, सी यू, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू डॉक्टर।